सो हेलो गाइज और वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहा है 5:30 सुबह का। हम लोग निकल रहे हैं एक नई रोड ट्रिप पे, जो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बोला था। तो हम लोग जा रहे हैं आज पंचमढ़ी, जो कि है एमपी में, वो टाइगर रिजर्व के पास है। बट हम लोग टाइगर रिजर्व नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वो हिल स्टेशन पंचमढ़ी। वहाँ पे देखते हैं कौन कौन से अट्रैक्शंस हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अनकॉमन है और ज़्यादा व्लॉग्स मिले भी नहीं मुझे उसको थोड़ा रिसर्च करने के बारे में। तो सोचा क्यों ना मैं ही डिटेल में बनाता हूँ। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं। सो 5 एडल्ट्स का सामान है, पूरा जैम पैक्ड है। पीछे तक दिखा दूँ, या पीछे तक छोटा सा विंडो खोला है कि मैं पीछे देख सकूँ। तो अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पे मम्मी, नेहा, औरू और मामा लोग भी आ रहे हैं। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं और अभी निकलने का टाइम आ गया है। 6:45 बज रहे हैं, तो होपफुली 6 बजे तक निकल लेंगे। सो लेट्स गो। व्हाट यू वांट टू से? दैट वी स्टैंड हियर। स्टैंड हियर, लेट्स गो। घूमी घूमी नाउ। यस। आर यू रेडी? एंड व्हाट यू आर गोना सी? टाइगर। नो, टाइगर नॉट टाइगर, वाटरफॉल। And how does the waterfall? Yes. तो गाड़ी में बैठ चुके हैं और भगवान का नाम लेके चलते हैं। बोलो, शंकर भगवान की जय, वो बजरंग बली की जय, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। चलिए चलते हैं। अभी रुके हैं हम लोग POC कराने, जो कि कल ही एक्सपायर हुआ। तो अच्छा हुआ सुबह सुबह मिल गया। तो अभी रुके हैं, छिंदवाड़ा क्रॉस हो गया है और अभी ऐसे ही रुके हैं चाय और नाश्ता ब्रेक के लिए। तो गर्मा गर्म पोहा खाएंगे और चाय पियेंगे। ये है तो आ गया है अपना पोहा, यहाँ पे अमरूद थोड़े बहुत और मम्मी नमकीन। तो अभी रुके हैं एक स्टॉप। हाँ मम्मी, कैसा है रास्ता अभी तक? मस्त है ना? हाँ, अभी थोड़ा टर्न्स ट्विस्टीज काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और बंदर भी आ गया। हाय मंकी। और प्यारा सा झरना पीछे, झरना नहीं नदी। एकदम परफेक्ट मौसम, परफेक्ट हरियाली है मम्मी, परफेक्ट मौसम, परफेक्ट हरियाली, एकदम हिल स्टेशन पे जाने के लिए सबसे बेस्ट। Come again.
तो अभी ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर दूर है पंचमढ़ी से, और यहाँ पे एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, तो सोचा रास्ते में थोड़ा पॉज भी हो जाए और माता के दर्शन करते हुए जाते हैं। बस 7 मिनट दूर है हम अपने रिसोर्ट से। वो दर्शन वगैरह हो गए, अभी चलते हैं यहाँ, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। अच्छा था छोटा सा मंदिर, नाइस। तो फाइनली हम लोग चेक इन कर लिए अपने रूम में, और छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। तो ये है दरवाज़ा, दरवाजे से आते ही 2 कुर्सियाँ, ये बेड, यहाँ पे टीवी और खाने पीने का सामान, केटल, छोटा फ्रिज, वार्डरोब, एसी, और ये वॉशरूम भी अच्छा है, ठीक है, साफ सुथरा सा, नाइस। तो अभी चलते हैं थोड़ा तफरी मारने, थोड़ा साइट सीन करेंगे, और देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो ड्रोन भी उड़ाते हैं, देख लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे भी नेशनल पार्क है जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है जो मैं बोल रहा था, तो वो है यहाँ पे, और देखते हैं अगर हो सकेगा तो यहाँ पे भी टाइगर सफारी जाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को टाइगर्स नहीं मिले थे। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि थोड़ा लेसर नोन हिल स्टेशन है, तो मैं ट्राई करूँगा जितना कवर हो सके उतना करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। तो अपनी गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं ये जीप में, ओपन जीप, इसमें अलग मज़ा आएगा, सफारी जीप, मारुति जिप्सी 4 व्हील ड्राइव, काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है, नाइस। ये इनका आई थिंक इनसाइड ये, नाइस। तो चल रही हैं अभी हम लोग मस्त ओपन जीप में, मैं और मामा पीछे, छोटे मामा इधर, और नेहा और मम्मी आगे। ये है पंचमढ़ी शहर, एमपी, फर्स्ट टाइम डिस्कवरी, अच्छा है, और काफी सारी जीप्स हैं यहाँ पे, नाइस। और नीरज चोपड़ा भी है यहाँ पे। तो अभी पहला है हांडी खो, तो ये है वो जो नाम बताया, और ऑल्सो नोन एज सुसाइड पॉइंट। तो मैं उनसे यही बोल रहा था कि हर हिल स्टेशन में एक सनसेट पॉइंट और सुसाइड पॉइंट होता ही है, पता नहीं क्यों, मे बी जस्ट ड्रॉप है हिल क्लिफ का, तो इसलिए नाम रखा है। और यहाँ एक घोड़ा, पूरा महाबलेश्वर वाली वाइब्स आ रही है, लाल मिट्टी, सुसाइड पॉइंट, और वैसे ही पार्किंग, बस यहाँ भुट्टे वाले लगा दें तो। और हाँ मम्मी, मैं क्या बोलता हूँ, पूरी महाबलेश्वर वाली फीलिंग आ रही है, महाबलेश्वर है ना की। यहाँ पे भुट्टा लगा दो, यहाँ पे घोड़े गाड़ी है, और यहाँ पे सुसाइड पॉइंट। अभी जो व्यू दिखाने वाला हूँ, रियली ब्रेथ टेकिंग, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू, और काफी डीप वैली है, बट बहुत ही खूबसूरत, वर्थ कमिंग हियर, आइए देखना मंदिर आप लोगों को। तो आपने देखा वहाँ पे एक्चुअली शोर बहुत ज्यादा था, तो काफी बढ़िया व्यू है, और मैं एक्चुअली अपने राइडिंग ग्रुप को रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी ये व्लॉग देख रहा है, यहाँ का रास्ता नागपुर से यहाँ तक का इतना खूबसूरत है, और इतना बाइकर्स के लिए आइडियल और
जो ट्विस्टीज चाहिए और एक मक्खन रोड चाहिए, बहुत बढ़िया है। मैं अपने ग्रुप को तो एडवाइस करूंगा और हो सके तो वापस बाइक से आऊंगा, क्योंकि इतना बाइक चलाने का मन किया ना, बता नहीं सकता। एक बार बस शांति में वे व्यू बताता हूँ और आप एंजॉय कीजिए। और वहाँ पे जो गुलेल की दुकान है वो देख के बचपन याद आ गया। अभी वह खैर यूज़ तो नहीं करना, बट एक मोमेंटो के तौर पे ले लिया जा सकता है। क्यों मम्मी, है ना, मोमेंटो के तौर पे लिया जा सकता है। काफ़ी टाइम हो गया गुलेल चलाए हुए, तो चूज़ करके लिया जाए भैया से। चलो, कौन सी वाली नया? ब्लॉग में दिखा के मैंने ब्लॉग, हाँ? कर रहा है मम्मी को। बताओ कौन सी? पिंक कलर। पिंक छोड़ के कोई भी नहीं। तो अभी आ गए हैं प्रियदर्शनी पॉइंट और साथ ही है एको पॉइंट। थोड़ा छोटा सा हाइक है, ये रोड जा रही है, ये हमारी जिप्सी, और ये जिप्सी में दो दिन सफारी और आज बैठ के सही में 4x4 से प्यार हो गया। अब 4x4 का जो होता है ना, पसंद आने लग गई है, काफ़ी सही है। हमारा ओरू भाई साहब जाते हुए वहाँ पर, तो ऐसी सब सीढ़ी टाइप का है जो कि नेचुरली बना हुआ। अभी सब लोग ऊपर जा रहे हैं, मैं और मम्मी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जैसे बोल रहा था मैं कि हर हिल स्टेशन में एक सनसेट पॉइंट, सुसाइड पॉइंट और एक और आ गया एको पॉइंट ज़रूर होता है। और हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं पॉइंट पे, और उतने में हल्की हल्की बारिश आनी चालू हो गई है, तो अपना कैमरा को अंदर रखना पड़ेगा और कुछ शेड ढूंढना पड़ेगा। सो लेट्स गो, लेट्स भागो, और ये सब को बचाते हुए केक ऑन द रोड। इतनी चढ़ाई यहाँ ऊपर, फिर उसके बाद इतना नीचे जाना है, तो मैं जो थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं जैसे मम्मी को थोड़ा चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ का ध्यान रखें ये पॉइंट के लिए। हाँ, अदरवाइज हम जैसे लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत छोटी सी हाइक है, 5 मिनट की, तो नॉट अ प्रॉब्लम। बट लेट्स सी द व्यू कैसा है। यहाँ से तो काफ़ी अच्छा वैली का व्यू आ रहा है, और एको पॉइंट है तो लोग चिल्ला रहे हैं अपने प्रेमिकाओं की, प्रेमिकाओं के नाम ले रहे हैं। तुम किसका नाम लोगी? पड़ेगा। ले 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 ले, चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। और लगता है ये प्रियदर्शनी कोई होगा जिसने पहली बार चिल्लाया होगा, प्रियदर्शनी उसकी होगी गर्लफ्रेंड, इसलिए पॉइंट का नाम है प्रियदर्शनी पॉइंट। और व्यू काफी सही, काफी अच्छा व्यू, एंजॉय दिस। तो पॉइंट तो बढ़िया था, लेकिन बारिश ने थोड़ा मज़ा किरकिरा कर दिया। अभी सारा सामान ढो के हम लोग भाग रहे हैं। थैंक गॉड अभी जो आईफोन है वो तो वाटरप्रूफ है, बट मेरा कैमरा नहीं है, और ओपन जीप लेके आए हैं। मैं बोल रहा था मेरी अपनी गाड़ी लेके चलते हैं, बट अब ओपन जीप में कैसे मैनेज किया जाएगा आई डोंट नो, बट ठीक है, चलो मौसम का मज़ा लिया जाए। और क्या, चाय पकौड़े खाएंगे, भीग भी गए तो मज़े लेंगे। मुंबई में ज़्यादा बारिश नहीं हुई इस बार, तो यहाँ पे बारिश के मज़े लेंगे। जब अब हम लोग आए थे तो काफ़ी धूप धूप थी, और अभी पूरा क्लाउडी हो गया। पहाड़ों में कब मौसम चेंज हो जाता है पता नहीं चलता, और काफ़ी मस्त सा व्यू। ये पेट्रोलिंग चालू, महादेव महादेव, 5 किलोमीटर। सब लोग एंजॉय करते हुए हैं।
इंक्लाइन काफी ज्यादा है वहां से एक टर्न में। आपको आइडिया लगेगा कितना हम लोग ऊपर और नीचे आ गए। 0.5 में दिखा रहा हूँ, ये एक टर्न में ऑलमोस्ट एक स्टोर दो स्टोरी। तो आ गए हम एक ऐसी स्पॉट पे जहाँ पे महादेव मंदिर और एक गुप्त महादेव मंदिर है। तो चौरागढ़ जो है रास्ता चौरागढ़ है 3.4 किलोमीटर और गुप्त महादेव है 200 मीटर। तो पहले जा रहे हैं 200 मीटर वाले में और उसके बाद जाएंगे महादेव मंदिर। और मैं ये बोल रहा था कि जब शेरपा इंजन वाली बाइक थी तो मैं भी अब शेरपा बन गया, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का रास्ता है और काफ़ी गंदगी भी किया हुआ है लोगों ने, ये चीज़ मेरे को नहीं पसंद। कोई अच्छा स्पॉट है जबकि ये ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है, उसके बावजूद इतना कचरा है तो अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ कोई भी टूरिस्ट स्पॉट हो कचरा मत कीजिए जी, जो भी ऐसा करते हैं प्लीज़ ना करें। एक काफ़ी मस्त शिमला वाला टाइप का, हाँ मम्मी शिमला वाला माहौल हो गया है यहाँ पे देखे, पूरा फॉग फॉग और रास्ता भी थोड़ा हिमाचल वाला टाइप का ही लग रहा था। तो फाइनली पहुँच गए गुप्त महादेव के मंदिर। तो ये है हनुमान जी की मूर्ति और ये जो है ये है गुफा, उसके अंदर से जाना है। काफ़ी पतली सी गुफा है, यहाँ से मोटी लग रही है बट अंदर। तो चल रहे हैं अंदर गुफा में। काफी सक्रिय है, ठीक है चलो। बड़े मामा को क्लस्ट्रोफोबिया है तो थोड़ा वो रिटर्न बैक हो गए। थोड़ा पतला रास्ता है तो पतले लोग ही है ना। आने को आ सकते हैं, ये देखो मोटे लोगों के लिए ऐसा कर्वेचर भी बना हुआ है ना। मजाक कर रहे हैं, कोई बुरा मत मानना। हाँ और अनसब्सक्राइब मत करना। और लाइट वाट भी है वैसे, काफी ठीक है, इतना डरावना नहीं है। थोड़ी की याद आ गई, कोई आ रहा है क्या? नहीं रुको रुको आना नहीं, चल ये जटा है। तो बाहर आ गए और एक्सपीरियंस काफी मस्त था, बहुत मजा आया ऐसी गुफा में जाके। और पतली के तुम्हें किसकी याद आ गई? मुझे शिवखोड़ी की, जब हम लोग जम्मू जाते हैं तो उसके बाद शिवखोड़ी और पूरा जैसा ये नेचर है, जैसा ये रोड है, सब चीज वैसे ही है। आपका आपका कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मजा आया, बहुत मजा आया। और ये गया सुनीत अपने फेवरेट बजरंगबली के पास। पूजा करा दो पंडित जी, अंदर पंडित जी है और यहाँ पे हमें मल्टीपीड मिला, काफी काफी बड़ा है। सो गुड नाइस। तो ये है रामकंद, ये पूरा का पूरा अंदर रहता है जमीन के। एक स्लाइस 50 आधा स्लाइस 30।
खा के देखते हैं कैसे है। इसका कुछ फायदा नुकसान? ये फाइबर कैन पूरी करता है। हाँ, फाइबर, फाइबर है ये कमी। तो अभी ट्राई कर रहे हैं रामकंद। काइंड ऑफ मीठी मूली टाइप का है। या मीठी मूली अच्छा है, डिफरेंट टेस्ट, बढ़िया है। तो अभी गुप्त महादेव के दर्शन हो गए, अब जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने। तो यहाँ पे मोस्टली सारे जो मंदिर हैं वो महादेव के ही हैं। तो अब कितने कितने कर सकते हैं उतने कर लीजिए। गुफा में था और एक प्लेस हाँ, वो गुफा वाला था, खैर छोटा सा ही शिवलिंग था। वैसे ट्राई किया मैं जल्दी जल्दी में, जितना दिखा सका मैंने दिखाया आप लोग को। अभी जा रहे हैं महादेव वाले मंदिर में जो कि वहाँ पर है। अब देखते हैं वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड है कि नहीं। ये एंट्री है हमारा महादेव मंदिर की। काफ़ी सारे बंदर और ये पेड़ थोड़ा फेमिलियर ऐसा लग रहा है, जैसे एक कुत्ता होता है ना मामा, ऐसा शो डॉग ऐसे ही लग रहा है। चलिए नाइस, सुंदर पेड़ है वैसे। काफी मस्त सा एकदम पेड़ों के बीच और पानी की भी आवाज आ रही है, आई होप कोई नदी होगी। ये है बड़ा महादेव मंदिर, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अंदर चला जाए। तो प्रमुख मंदिर महादेव गुफा, ओके ये भी गुफा के अंदर है। तो जूते चप्पल यहाँ उतार के चलते हैं अंदर। तो आपने देखा जो टाइम लैप्स वो यहाँ से आ रहा था, यहाँ थोड़े मंकीज है, मंकीज एंड यहाँ से घूमते हुए मुझे लगा यहाँ है मंदिर, बट नो हमें वहाँ जाके वहाँ जाना है। तो वो है महादेव गुफा। तो काफ़ी अमेजिंग, इसकी यहाँ से थोड़ी बहुत फोटोज लेता हूँ और बाकी बाद में व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। नंदी जी और ओम नमः शिवाय, नागदेव शिव जी और नंदी। काफी प्राचीन बड़े से नंदी, इतना बड़ा त्रिशूल। अब मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ उसके बाद में। आई डोंट नो फ्लैश कितना काम आएगा, बट काफी अंधेरा है। यहाँ पानी है, साफ पानी एकदम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे भी ऐसा झुक के चलना पड़ रहा है, कुछ ऐसा है रास्ता। अभी वहाँ पे दर्शन कर लिया जी का, यहाँ पे जो मैंने आपको अभी दिखाया वीडियो में, अभी जा रहे हैं वापस। मस्त है ये, अच्छा एक्सपीरियंस था, ज़्यादा लोग भी नहीं थे और खाली खाली मंदिर, अच्छा लगता है। भगवान से आप आराम से बात कर सकते हैं, कोई घाई गड़बड़ नहीं। ये वाला पसंद है मुझे, आई लाइक दिस वन। चलिए ओम नमः शिवाय। तो ये थे बड़े महादेव गुफा एंड वहाँ पे है आई थिंक पार्वती गुफा, जो कि मैं बोल रहा था कि यहाँ से जाके यहाँ जाना है। और यहाँ पार्वती गुफा आते आते हमें नंदी जी भी दिख गए। तो शिव जी यहाँ पे
है मतलब। देखा मामा आपने नंदी वहाँ पे? तो हम लोग अंदर गए तो थोड़े मटके वटके और थोड़ा कुछ ज़्यादा मूर्ति वगैरह तो थी नहीं, तो हम लोग को सस्पिशन हुआ कुछ कांडी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ दूर से बोल देते जय माता पार्वती, और तो यहाँ पे पार्वती गुफा होके अब काला देवी के यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। अब इतने दूर आए हैं तो कर ही लेते हैं और क्या। आप लोग के लिए जैसे मैंने बोला था जितना हो सके उतना ज़्यादा डिस्कवर करूँगा नंगे पैरों, और कुछ ऐसा टेरेन है तो थोड़ा पैर दर्द हो रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा। ये है काला देवी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो हम पहाड़ के यहाँ, तो ये है काला देवी की गुफा और यहाँ पे कुछ इस तरह है। काला बाबा, काला बाबा, काल भैरव हो सकता है, हाँ ब्लैक भी चढ़ा है तो हो सकता है काल भैरव। जय काल भैरव। तो यही था हमारा आज का दिन, काफ़ी अच्छा भी था, काफ़ी थकान भी हो गई, अच्छे घंटे ड्राइव भी किया, उसके बाद फिर घूमे फिरे, काफ़ी चलना भी पड़ा, बट एनीवेज अच्छा दिन था। आई होप आप लोग को भी पसंद आया होगा, और ये नई जगहें कल और ज़्यादा जगहें डिस्कवर करने जा रहे हैं, सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कोई भी सुझाव हो कमेंट डाउन बिलो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टिल देन, शेफ राय साइनिंग ऑफ, चीयर्स।